हमने कहा कि हमने देखा है जो अखबार में जो पढ़ा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने लिखा है उसको, उसी को मैंने पढ़ा है। और हमने कहा कि भाई दर्द की और दवा की, चूंकि वो खुद ही सीजनड पॉलिटिशियन है, आज के नहीं है, मतलब हेमंत सोरेन तो आज पैदा हुए हैं, हमें लगता है कि उनके पिताजी के साथ उन्होंने रख करके आंदोलन में काम किया है, सक्रिय भूमिका निभाए, तभी तो वो कोलान के वो टाइगर कहे जाते हैं। तो इसलिए उनको रास्ता तय करना है, उनको तय करने देना चाहिए। बाकी फॉर्मल जो मिलना जुलना तो होते रहता है, अभी विधानसभा समाप्त हुआ तो सबसे भेंट होता है, व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से भी मेरा संबंध है, आप सब लोग जानते भी, ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर तकलीफ में होता है और उन्होंने अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं, तो मुझे लगता है फिर वैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की और उनको क्या कहते हैं गड्ढे में धकेलने का काम नहीं करना चाहिए। हम लोग उनके पार्टी को ना तोड़ने की कोई इच्छा है, ना उनके परिवार को तोड़ने की कोई हम लोग की इच्छा है। उनके लोग खुद उनसे दुखी, और हेमंत सोरेन को भी उनके अपने लोगों के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं। मैं दो तीन उदाहरण बताऊंगा, आप सबको ध्यान में ही है, कल उसको याद करा रहा हूँ। झारखंड में उनकी सरकार थी, खुद मुख्यमंत्री आज भी है, उस समय भी थे, और उसके बाद विधायकों को लेकर के हैदराबाद चले गए, मांग गए, फिर रायपुर लेकर के चले गए, फिर विधानसभा आहूत होता है तो आकर के कौन होटल रेडिशन या कहां लोगों को रखा, तो ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब है कि आपको अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इसलिए पैदा हुई होगी ना, जो सरकार बनने के बाद सामान्यतः कोई भी के दिल में गहरा चोट, वो तो खुद ही बताए हैं, बताओ तो खुद ही बताए हैं कि भाई हम साथियों को तलाश रहे। जब उनकी तलाश पूरी होगी तो लगता है कि खुद ही बताएंगे आप सबको। देखिए स्वाभाविक है कि जिस पार्टी में अगर कोई बड़े लीडर दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, अगर वो वहाँ से कोई और रास्ता चुनते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका इतना असर होता है, नहीं होता है वो तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं होता ऐसा मैं नहीं मानता। आज असर है तभी तो आप सब लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपकी उंगलियां भी बरतेंगी, ये देखिए सर A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।